हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल सुपर कॉमर्स। सीए एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के बीच में, और बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स सीए कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकें। लेकिन अक्सर उनके माइंड में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारी कन्फ्यूज़न रहती है, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। वो सोचते हैं कि क्या सीए बनने के लिए मैथ्स का सब्जेक्ट होना ज़रूरी है? जिन लोगों के पास मैथ्स नहीं है, क्या वो सीए नहीं कर सकते हैं? या फिर जिन लोगों का मैथ वीक है, क्या वो सीए में अच्छा कर पाएंगे या नहीं? और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आते रहते हैं। कई बार अपनी तरफ से भी आते हैं, कई बार दूसरों की तरफ से भी डाले जाते हैं मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को लेकर। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर करूँगी रिलेटेड टू मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, कि सीए कोर्स में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का क्या रोल है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है, अगर ज़रूरी है तो किस लेवल तक ज़रूरी है, क्या क्या टॉपिक्स इसमें आते हैं जिसको डिटेल में जानना आपके लिए ज़रूरी है, जिससे कि आपको क्लियर कट आइडिया हो जाएगा और आप इजीली डिसाइड कर पाओगे कि क्या आप सीए करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो रेस्पेक्टिव ऑफ योर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो इस डिटेल को जानने के लिए वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे सीए कोर्स में मैथ्स कितना इम्पोर्टेंट है, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला यह है कि क्या सीए में एडमिशन लेने के लिए आपके पास मैथ्स होना चाहिए। दूसरा यह है कि अगर आपने सीए में एडमिशन ले लिया है तो उसके बाद जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे क्या उसमें मैथ्स होगा, और अगर होगा तो किस लेवल तक होगा, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहले पॉइंट की बात करते हैं कि क्या सीए में एडमिशन लेने के लिए मैथ्स ज़रूरी है। तो उसके लिए देखना पड़ेगा हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पर साफ साफ नहीं कहा गया है मैथ सब्जेक्ट के बारे में। यहाँ सिर्फ इतना ही बताया गया है कि किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट सीए कर सकता है, चाहे वो आर्ट स्ट्रीम का हो, चाहे वो साइंस स्ट्रीम का हो, या फिर हो कॉमर्स स्ट्रीम का। आप इसे ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो, ट्वेल्थ के बाद कोई भी स्टूडेंट कर सकता है। ना ही कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट है, ना ही किसी स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट है। ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ ये लिखा गया है कि अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो तो आपके होने चाहिए 55%, और अगर आप किसी और दूसरे स्ट्रीम से हो तो आपके होने चाहिए 60%। तो यहाँ से एक बात पता चल जाती है कि सीए में एडमिशन लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 11th और 12th में मैथ्स हो। यानी जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स है वो भी सीए कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं है अपने क्लास 11th और 12th में, वो भी सीए कर सकते हैं। यानी कोई भी स्टूडेंट सीए कर सकता है, चाहे वो 12th के बाद करे, चाहे वो ग्रेजुएशन के बाद करे, इस पर कोई भी रोक टोक नहीं है। तो पहली बात तो क्लियर हो गई कि एडमिशन के लिए मैथ्स का होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी इसमें एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की कि सीए कोर्स के अंदर, यानी जब सीए में एडमिशन ले लेते हैं, जब आप सब्जेक्ट्स पढ़ोगे तो वहाँ पर मैथ्स कितना इन्वॉल्व होता है, कि क्या आपको अलग से मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ्स की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसकी स्टेजेस में आती है। पूरे सीए में तीन स्टेजेस होती हैं। पहला होता है फाउंडेशन स्टेज, दूसरी होती है इंटरमीडिएट स्टेज, और तीसरी होती है फाइनल स्टेज। तो जो फाउंडेशन स्टेज है वहाँ पर आपका मैथ्स नाम का एक सब्जेक्ट होता है, और वो होता है 100 मार्क्स का। अब इस 100 मार्क्स में भी पूरा का पूरा मैथ्स नहीं इन्वॉल्व होता है। इसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, एक तो बिजनेस मैथमेटिक्स, दूसरा लॉजिकल रीजनिंग, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स आप पढ़ोगे तो उसमें जो भी जो टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ोगे, रेशो एंड प्रोपोर्शन, इक्वेशंस एंड मैट्रिक्स, लीनियर इक्वालिटीज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये जितने भी टॉपिक हैं ये बहुत ज़्यादा इनको हार्ड नहीं बोल सकते हैं। अगर जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ नहीं था तो वो कोचिंग की हेल्प से अपने फाउंडेशन कोर्स के इस वाले मैथ्स को क्लियर कर सकते हो और इजीली मार्क्स लेके आ सकते हो, और जिनके पास मैथ था वो इजीली इसको कर सकते हैं, उनको ज़्यादा कोचिंग लेने की भी ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली मैथ्स में जो टॉपिक्स होते हैं बहुत टफ़ होते हैं, कुछ टॉपिक्स बच्चों को लगता है कि उन टॉपिक्स को पढ़ने पर या फिर पूरे मैथ सब्जेक्ट को पढ़ने पर उनकी जो पूरी ओवरऑल परसेंटेज है वो कम हो जाएगी, इसीलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने क्लास 11th और क्लास 12th में मैथ्स नहीं लेते हैं। तो अगर आपने मैथ्स नहीं लिया है तो भी कोई बात नहीं है, आप फाउंडेशन कोर्स में मैथ्स का ये वाला पोर्शन कोचिंग की हेल्प से कर सकते हो। जो बहुत ज़्यादा टफ जो टॉपिक था जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री होता है वो यहाँ पर नहीं है, और जो भी टॉपिक्स यहाँ पर गिवन है वो वाले टॉपिक्स हैं जो बिजनेस में इकोनॉमिक्स में यूज़ होते रहते हैं। तो अगर ये आपने नहीं पढ़े हैं तो आप कोचिंग की हेल्प से कर सकते हो, और अगर पढ़ रखे हैं तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको दोबारा नहीं अच्छे से करने पड़ेंगे।
इसका जो सेकंड पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग, इसमें वही सारी रीजनिंग आती है जो बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है, 20 मार्क्स की है। और जो थर्ड पार्ट है स्टैटिस्टिक्स, 40 मार्क्स, ये वो वाली स्टैटिक्स है जो आपने क्लास 11th में पढ़ी थी, लेकिन इसका जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। यानी सब कुछ क्लास 11th वाला नहीं है, आपको उससे थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि आप क्या पढ़ने वाले हो स्टैटिक्स में। तो ऐसा यहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपने अगर मैथ्स था, अगर आपने जो भी मैथ्स में पढ़ा होगा सिर्फ वही स्टूडेंट्स इसको कर सकते हैं, बिना मैथ्स वाले स्टूडेंट्स इसको नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो फाउंडेशन में जो भी मैथ्स आता है तो आपको पता चल गया है कि वो मैथ्स किस तरह का होता है, कोई भी स्टूडेंट्स कर सकता है। जिनके पास मैथ था वो थोड़ा इजीली कर लेगा बिना कोचिंग की हेल्प से और थोड़ी कम मेहनत किए बिना, और जिसके पास मैथ नहीं था वो कोचिंग की हेल्प से इसको कर लेगा। अब जब फाइनल ईयर आपके पास आएगा, और फाइनल ईयर में एक होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट, यानी सिर्फ फाउंडेशन कोर्स के अंदर आपको मैथ्स नाम का एक अलग से सब्जेक्ट मिलेगा, फिर उसके बाद अलग से मैथ्स सब्जेक्ट नहीं होगा। सिर्फ वो जब फाइनल स्टेज में आओगे तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम से एक सब्जेक्ट होगा, उसमें मैथ्स की बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, जैसे कि सिंपल कैलकुलेशंस हो गई, परसेंटेज हो गई, कैलकुलस हो गई, ये सब वगैरह। तो और ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी फाउंडेशन कोर्स में सीख चुके होंगे, और जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद सीए कोर्स को ज्वाइन करेंगे वो स्टूडेंट्स कोचिंग में रहकर इस सब चीज़ों को सीख सकते हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप इनको करते जाओगे तो आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर आप सीए कर रहे हो तो फिर तो आपको इस सब चीज़ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ये सब चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। और दूसरी बात ये है कि सीए में आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो जिनकी कैलकुलेशन वीक है। तो 4-5 सालों में आपकी जब ये आप करते जाओगे तो ये सब कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉन्ग हो ही जाएंगी। धीरे धीरे जब आप करते रहोगे तो सब चीज़ें आपको आई जाएंगी। तो इतना डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास मैथ्स नहीं है या मैं मैथ्स में वीक हूँ तो मैं सीए नहीं कर सकता। तो ये कंक्लूज़न यही निकलता है कि सीए में एडमिशन लेने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है आपका मैथ्स होना या ना होना, आपके पास मैथ्स है या फिर नहीं है, आप एडमिशन ले सकते हो। और जब आपने एडमिशन ले लिया है और अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स में वीक हूँ या मुझे मैथ्स नहीं आता है, तो भी आप इजीली कोचिंग की हेल्प से वो सारे टॉपिक सीख सकते हो जो आगे आके आपको काम में आएंगे दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो इसी के साथ ये वीडियो होता है ख़त्म। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियोज़ को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सुपर कॉमर्स को। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू, साथ ही साथ वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू।